देखिए, बेसिक शिक्षा विभाग से बहुत अच्छी खबर आई है। टोटल 70,000 शिक्षकों की वैकेंसी आने वाली है। तो देखिए, अभी हाल ही में क्या हुआ, जो सचिव बेसिक शिक्षा परिषद है, इन्होंने जो है अप्रैल 2017 से अब तक चयनित अभ्यर्थियों की जानकारी मांगी कि कितनी सीटें खाली हैं और कितनी सीटें भरी जानी हैं। तो उसकी सूची आ चुकी है और जो मेरे पास न्यूज़ है ये अमर उजाला का है, ठीक है। इसमें बताया गया कि प्रदेश सरकार की ओर से बेसिक शिक्षा ने नई शिक्षक भर्ती की तैयारी शुरू कर दी है और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से प्रदेश के सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों से अप्रैल 2017 से अब तक चयनित शिक्षक पदों के बारे में जानकारी मांगी गई और सरकार की ओर से ये जानकारी खाली पदों का विवरण जुटाने के उद्देश्य से मांगी गई है। देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में अपडेट क्या है, 26 जून को 69,000 शिक्षक भर्ती के खाली पदों को भरने के लिए कार्यक्रम जारी हो गया है। देखिए, आप सभी को ज्ञात है कि अभी हाल ही में 26 जून को 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए जो है जो थर्ड काउंसलिंग की लिस्ट है वो जारी हो गई है और जल्द ही ये भर्ती पूरी हो जाएगी। 28 और 29 जून को जो है जो चयनित अभ्यर्थी हैं इनको नियुक्ति पत्र जारी कर दिया जाएगा। तो इस भर्ती के कंप्लीट होती है, देखिए उत्तर प्रदेश में चुनाव का भी समय है, 2022 में चुनाव है और समय काफ़ी कम बचा है, लगभग जो है 8 से 9 महीने का समय है और उसके पहले नवंबर दिसंबर तक जो है प्रत्याशियों को भी जो है सूची जारी करनी है भारतीय जनता पार्टी को। तो अगर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतना है तो उसके लिए उसको काम भी दिखाना पड़ेगा, तभी तो वो कहेगा कि काम बोलता है। तो देखिए, काम तब बोलेगा जब ये जो आपके मैंने अभी बताया कि 70,000 जो नए पद हैं ये सृजित होने वाले हैं, कहाँ कहाँ कितने पद खाली हैं और 70,000 की वैकेंसी आने वाली है। तो आप सभी लोग समय मत गंवाइए और अपनी तैयारी में जुट जाइए। देखिए, इसकी पहले जो है कोर्ट को बताया गया था कि मतलब जो आपका बेसिक शिक्षा परिषद है इसके परिषदीय विद्यालयों में लगभग 51,000 पद खाली हैं, लगभग 22,000 से अधिक पद जो है 68,500 शिक्षक भर्ती से खाली पड़े हैं और कोर्ट के आदेश के बाद 68,500 शिक्षक भर्ती में कुल पद भरे गए थे, लेकिन अभी भी करीब 70,000 से अधिक पदों पर जो है नियुक्ति की जानी है। और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से 2017 से अब तक हुई नियुक्तियों की जो जानकारी है मांगे जाने के बाद नई भर्तियों की उम्मीद जग गई है। सचिव ने सभी बीएसए से कहा है कि सीधी भर्ती से चयनित अभ्यर्थियों का विवरण एक्सेल शीट में जो है सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी में उपलब्ध कराएं। देखिए, जब ये सारी जानकारी, देखिए कहने मतलब है कि सारी जानकारी इसलिए मांगी जा रही है कि ये 70,000 शिक्षक भर्ती जो है निकलेगी और गारंटी है कि ये जो है दिसंबर तक कंप्लीट कर ली जाएगी और फिर उसके बाद सरकार कहेगी देखो हमने जो है 69,000 शिक्षक भर्ती कर ली, 68,500 भी कर ली, 70,000 शिक्षकों की भी भर्ती कर ली, यूपी पुलिस में भी जो है 3 बार वैकेंसी निकाल कर उसको फिल कर चुके हैं। तो ऐसे जो है ये यूपी सरकार चुनाव लड़ने वाली है, तो आप लोग समय मत गंवाइए और पढ़ाई में लग जाइए, ठीक है। जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक वो सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरे अगले अपडेट आपको जो है मतलब उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। देखिए, मैं इस चैनल पे डेली करंट अफेयर्स और जीएससी क्लासेस चलाता हूँ, शिक्षक भर्ती की भी क्लासेस चलाई जाती हैं अगर शिक्षक भर्ती आती है तो। पिछले शिक्षक भर्ती में बहुत सारे लोग सफल भी हुए, तो अभी देखिए बहुत सारे लोग मिलने भी आए थे और बहुत सारे लोग नहीं मिल पाए, लेकिन फ़ोन से और व्हाट्सएप पर उनसे कांटेक्ट होता रहता है। तो देखिए, इसके लिए मैं ऑनलाइन क्लासेस फिर से चलाऊंगा अगर शिक्षक भर्ती आती है 70,000 वाली, तो उसके सारे अपडेट और सारे फ्री क्लासेस आपको मिलते रहेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल भी आपको दिया गया है, उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको सारे पीडीएफ वगैरह मिलते रहेंगे। तो इसी के साथ आपके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं।